हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। ये देखो कैसा मौसम हो रहा है। अभी आंधी तूफान आएगी और इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, सच्ची बता रही हूँ। इतनी ज़्यादा ये देखने में अच्छा मौसम लग रहा है। देखो हवा भी चल रही, झंडे भी नहीं हिल रहे, बस बकवास मौसम हुआ पड़ा है। इतनी ज़्यादा गर्मी, क्या बताऊँ। बस एक बार थंबनेल ले लेती हूँ, फिर देखते क्या करती है। उसको डॉट हमारी देखते हैं कैसी हुई पड़ी है। गिल्ली है हल्की सी। अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी निकाल निकाल के। चलो निकाल ही लेती हूँ अभी और इस टब के अंदर ही रखूंगी बड़े बड़े पीसेस। इस बार अच्छी पीसेस निकले हैं तो मैं सोचूं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ही ले हम। देखो नीचे से गिल्ले हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, घुटन आई पड़ी है जैसे बारिश में होती है ना। बारिश के बाद अच्छा मौसम हो जाता है पर फिर वो गर्मी हो जाती है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मैं सोची थी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और हाँ यार हवा भी नहीं चल रही। मैं देखती हूँ पहले तो। चलो यार जल्दी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आया, मैं वहाँ बैठी हूँ, इसको छोड़ दूँ, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है पानी डालते हैं आप लोगों के सामने। चलो छोड़ो फिर मैं ब्लॉग की क्रमलिंग नहीं कर पाऊँगी। सो जी दो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। हाय हाय आप लोगों के सामने अपना फेस कर। बस इस तरह से मैं करती हूँ वीडियो रिकॉर्ड। और फिर ऊपर से भी निकाल देती हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं करती हूँ वीडियो रिकॉर्ड। ठीक है अच्छा हुआ एकदम से याद आ गया कि वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो ये हो गया और ये हो गया। फ़ोन गर्म हो गया था बीच में, अब ना बादलों में आवाज़ आ रही है गुड़ 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 गुड़। देखो रुको मैं दिखाती हूँ कहीं गिरी ना जाए। देखो कैसा मौसम है ये। अब करें क्या क्रम्बलिंग, इतना ज़्यादा थिक कैसे हो गया, मैं बताऊँगी बाद में कि ये थिक कैसे हुआ है। और भी ज़्यादा क्रीमी लग रहा होगा ना आपको ये क्रम्बल करने में। रुको बारिश आई मैं तो कहूँ आए, पर इतनी ज़्यादा ना आ जाए कि टेक्सचर बर्बाद हो जाए। अच्छा आप बताना कौन सी पब्लिक हो आप, थंबनेल देख के अट्रैक्ट होने वाली पब्लिक हो या फिर डेली व्यूवर हो, कभी कभी व्यूवर हो, या गलती से आज वीडियो लगी वो वाले व्यूवर हो, या बहुत 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 पसंद करते हो वो वाले व्यूवर हो। तो प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं ना ये बता के जाएं और कमेंट करके जाएं कि हाँ हम ये वाले व्यूवर। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना और इसमें से भी आग निकल रही है, सच्ची बता रही हूँ। इतना गर्म हुआ पड़ा है और मेरे को इतना ज़्यादा अब गर्मी लग रही है ना और गुस्सा आ रहा है गर्मी में कि यार मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। तो मैं बता दूँ मैंने ना क्या करा, उस बैग में से दो तीन मड की वो निकाल के लाई, दो तीन नहीं उससे भी ज़्यादा, पानी में इतनी देर से उसको डिसॉल्व किया और फिर इसके ऊपर पानी छिड़का और फिर साइडों में जो खिंडा हुआ था ना उसको डस्टिंग करी। धूल देख लो कितनी उड़ रही है। एक मेरा बहुत पुराना ब्लॉग है, हाँ और दो बार बोला ठीक है, और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं क्योंकि उस पर थंबनेल बहुत अच्छा और क्रम्बलिंग भी मैंने बहुत अच्छी करी है उसमें। क्योंकि ना जब वो मैंने ब्लॉग बनाया था मैं देखी थी कि ना लोग बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग करते हैं, मतलब जो एस्मर आर्टिस्ट है
बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग करती है, तो मैंने सोचा मैं भी करूँगी आज उस, और वो मेरा मेरे ख्याल पहला व्लॉग था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग करी। क्रम्बलिंग मैं करती थी, पर वो व्लॉग ऐसा था, एक तो बहुत लंबा बनाया था और बहुत ज़्यादा बड़ा था और फुल ऑफ क्रम्बलिंग था, और उसमें कुछ अपडेट वपडेट सबडेट कुछ नहीं थी तो, और वो बहुत डस्टी क्रम्बलिंग वीडियो थी। और मैं कह भी रही थी यार अब मैं अगर मुझे ऐसे ब्लॉग में क्रम्बलिंग करनी है ना तो मुझे फेस कवर करके करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियोस बहुत डस्टी। ओह अभी बिजली कट गई। हाँ तो ब्लॉग बना लेती जल्दी से, तो हाँ कि ब्लॉग बनाऊँगी तो मुझे बहुत संभल के करना पड़ेगा, फेस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और कमेंट आया कहीं भी डस्टी नहीं है, क्लिक बिट मत दो, ये वो मत दो, यार क्या इसमें। और जब पूरी पब्लिक को पसंद आए और फिर एक आधा बंदा कहे ना कि क्या है यार ये, फिर गुस्सा आता है, देखो कितना इसमें डस्ट उड़ा है। और फ्लोर पे करूँ ना इतनी प्रॉपर दिखती नहीं है व्लॉग में, अब रुको मैं ऊपर से। और मुझे याद है कि वो पूरी डस्टी वीडियो थी, अब उनके फ़ोन में या उनका डस्टी कोई लेवल अलग होता होगा। मड के पास चलते हैं इसको क्रम्बल करने के बाद। देखो आवाज़ आ रही है, रुको मैं आवाज़ दिखाती हूँ। देखो बिजली कड़क रही है पूरी जोरों शोरों से। ओए हाँ इसको भी तो अंदर रखना आएगा, अब लोग कहेंगे आप ऐसे मत क्या करो, ठीक है मैं अभी बाद में आके बनाती हूँ ब्लॉग। बारिश स्टार्ट, पर मैंने मड रख दिया, मैंने फ़ोन अंदर रख दिया था, मैं पहले बचत कर लूँ फिर व्लॉग कैरी ऑन करूँगी। इतनी ज़्यादा बूंदे करी है, फ़ोन में इतनी कम दिख रही है। अब क्रम्बल किसकी करूँ, क्रम्बलिंग किसकी करते हैं। चलो यहाँ पे इतना सोना कलर है इस टेक्सचर का बेचारे का, इतना गंदा सा सड़ा सा पता नहीं क्या ही आए जा रहे हैं, इसको क्रम्बल करके। ओहो ऊपर से सॉफ्ट है, पता नहीं किसने बनाई है ये शेप, मेरे ख्याल समीक्षा ने बनाई है। अच्छा बताना आप जो पुराने लोग हैं, क्योंकि मैं सब कुछ बताती हूँ अपने ब्लॉग में, ये मैंने बनाई है, ये समीक्षा ने बनाई है, कौन ही याद रखेगा जब मुझे ही याद नहीं है। बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर, मैंने आपको कहा था ना कि बताना जरूर, प्लीज बताना। ओहो इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं, इसको भी वहाँ देखो पूरा तूफान आया हुआ है। मैं ढकती हूँ अब कुछ टेक्सचर्स को, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो कुछ काम भी नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, पूरे में तूफान आ गए देखो वहाँ भी, और बारिश बहुत तेज हो गया। चलो कल ही दिखाऊंगी अब मैंने क्या क्या किया है।